हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, कॉम्पैक्ट सेडान का जो मार्केट है उसमें दो गाड़ियां काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी नाम है मारुति सुजुकी डिज़ायर और होंडा की अमेज। अब इन दो गाड़ियों में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन चलता है और दोनों की ही अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। अब इनमें से आपको कौन सी और क्यों चुननी चाहिए, आज मैं आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपसे मिल रहा हूँ। अगर मैं डीजल इंजन की सबसे पहले बात करूँ तो यू आर लेफ्ट विथ होंडा अमेज ओनली, क्योंकि होंडा ही आपको डीजल इंजन देती है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, उसमें काफ़ी दमदार इंजन है और आपको चला के मज़ा आएगा, चेहरे पे एक स्माइल आएगी, आपको माइलेज लगभग 24-25 की हाईवे पे ईजिली मिल जाएगी और शहर में यू कैन, अगर आप ढंग से ड्राइव करते हैं, आपको ईजिली 18 की माइलेज मिल जाएगी। हाँ, उसका जो प्राइस डिफरेंस है पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन का वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आप देख लें। अगर आप ज़्यादा शौकीन हैं या गाड़ी ज़्यादा चलती है तो आपको डेफिनेटली डीजल इंजन लेना चाहिए, जो होंडा अमेज में ही है। इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है बट पावर फिगर्स जो इसके मैनुअल में है और ऑटोमेटिक में, उसमें थोड़ा डिफरेंस है बट चलाने में आपको कोई खास फर्क नहीं लगेगा। तो आई हाईली रिकमेंड दैट प्रोडक्ट। अब अगर मैं बात करूँ पेट्रोल इंजन की, तो उसमें आपको दोनों ही गाड़ियों में 1200 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है। मैं इंजन की बात इसलिए पहले कर रहा हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं गाड़ी का दिल होता है, हार्ट होता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं ना, फीचर्स देख के, साइज़ देख के गाड़ी ले लेते हैं, बट जो सर इंजन है, जो मज़ा देगा, जो गाड़ी को चलाएगा, जो माइलेज देगा, एवरीथिंग इंजन पे ही डिपेंड होती है। तो इंजन दोनों में 1200 cc का पेट्रोल इंजन है। अगर मैं मारुति के इंजन की बात करूँ, बेंचमार्क इंजन है, होंडा के पेट्रोल इंजन से कहीं ज़्यादा बेटर इंजन है। पिकअप की बात करें, माइलेज की बात करें, मज़े की बात करें, तीनों में ही आपको ये डिज़ायर में अव्वल नंबर का मिलता है इन कंपैरिजन टू होंडा अमेज का जो पेट्रोल इंजन है। जो चीज़ इसको और हेल्प करती है वो कहीं ना कहीं मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी, जो थोड़ी ख़राब मैं कहूँगा, उसका वेट, जो बॉडी वेट है काफ़ी कम है, तो वो और पावर टू वेट रेशियो में काफ़ी और हेल्प करता है। गाड़ी की स्पेस बहुत बेहतरीन है, सेल रीसेल माइलेज मेंटेनेंस कंफर्ट एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। अगर इसके दो वेरिएंट्स जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, ऑफकोर्स अगर आप पे पैसे की कमी नहीं है और आप सब कुछ चाहते हैं, यू वांट ऑल द बेल्स एंड विसल्स, यू कैन गो इन फॉर ZXi+ और ZXi, बट जो हाईली वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले मैं कहूँगा VXi जो इसका सेकेंड मॉडल है, और अगर आप बजट में हैं तो आप LXi भी देख सकते हैं। तो ये दो मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, बट मैं AMT में इस गाड़ी को आपको रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा ऑटोमेटिक में, क्योंकि उसमें AMT आता है जिसमें काफ़ी जर्क्स हैं और आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर आप पेट्रोल मैनुअल में देख रहे हैं, डिज़ायर इज़ द काफ़ी। वहीं अगर मैं होंडा अमेज की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। जो डिज़ायर में सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी को लेकर इशूज़ हैं, अमेज में बिल्कुल नहीं है। अमेज इज़ अ 4-स्टार रेटेड कार सर, बहुत बेहतरीन गाड़ी है। इसके जो लुक्स हैं, आई जस्ट लव द लुक्स, मुझे डिज़ायर से कहीं ज़्यादा अमेज पसंद आती है। तो ये अमेज की कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसका बूट है बहुत बड़ा है, भर भर के आप सामान रख सकते हैं, ये भी इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अमेज होंडा का बहुत ही अच्छा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है होंडा सिटी के बाद, और एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके इंटीरियर्स की बात करूँ तो काफ़ी बेहतरीन है इन कंपेरिजन टू डिज़ायर। कम्फर्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, स्पेस भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कहीं ना कहीं आपको डिज़ायर से लगभग 5 mm ज़्यादा मिलती है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ पेट्रोल की, तो सर वो अच्छा है, अगर आप इजीली प्यार से कंफर्टेबली गाड़ी चलाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा है। बट आप ज़रा भी ड्राइविंग के ज़्यादा शौकीन, आप इंजन से थोड़ा ज़्यादा फन एक्सपेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो इंजन शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसमें आपको वो डिज़ायर जैसा पंच पिकअप वो नहीं मिलने वाला। बट वहीं अगर आप ऑटोमेटिक में देख रहे हैं, तो फिर आई वुड से आपको होंडा अमेज का पेट्रोल ऑटोमेटिक ज़रूर देखना चाहिए, डिज़ायर से कहीं बेहतर है ओवरऑल जो इस इंजन का और गेयरबॉक्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि डिज़ायर में AMT आता है और होंडा अमेज में काफ़ी बेहतर आपको ट्रांसमिशन मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं आई थिंक मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, जो इन गाड़ियों के हैं। प्राइस रेंज दोनों गाड़ियों की लगभग सेम है, और अब आप देख सकते हैं आपको क्या चीज़ ज़्यादा लुभाती है, आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसे परफेक्ट बनाते हैं। अब जो भी गाड़ी चुने, आई होप एंड प्रे आप उसे बहुत अच्छे से रखें, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू इन एडवांस, और प्लीज़ ध्यान से चलाएं गाड़ी, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सीट बेल्ट्स,
अगर बाइक चलाएं तो हेलमेट ज़रूर पहने, धूम मचाने से पहले अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।